हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं संदीप और अपनी आईडी चलाता हूं टेक आहार के नाम से। सो टेक आहार में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं, जैसा कि सभी को पता है कि अभी का जो दौर है, सभी लोग घर पे हैं, अपने स्टे एट होम। आज 11वां दिन है और मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। रेसिपी नहीं बोल सकते इसको, काढ़ा बोल सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ काढ़ा बनाने के लिए, जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम को आपको ठीक रखना है और आपके सर्दी, यदि खांसी, सर्दी खांसी थोड़ी मोड़ी होती है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए आज हम बनाते हैं काढ़ा और दो मिनट में इस छोटी सी रेसिपी को देखते हैं और सभी लोग के साथ शेयर करते हैं। ये गुड़, दालचीनी, लौंग, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, काली मिर्च है, और ये छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची, और ये है अदरक। तो हम जो यहाँ पे काढ़ा बना रहे हैं वो है देसी गुड़ का काढ़ा, और इसको मैं लास्ट में ऐड करूँगा। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कप काढ़ा फॉर मी। और आप सभी को पता है लॉकडाउन का समय चल रहा है, सो अपने गले को, अपने खांसी को और सर्दी को बचा के रखना, मतलब आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो काढ़ा आप दो दिन में एक बार या एक सप्ताह में एक बार ज़रूर लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितने सूखे हुए मसाले हैं, सबसे पहले उनको ले लें और इन सबको हमें कूटना है। थोड़ा सा कूट देंगे, उसके बाद ये जो वर्ड है कुटाई ये हम बहुत यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इन सभी को कूटते हैं, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक, क्योंकि ये गीले में आता है तो क्या होगा, अभी कुटाएगा नहीं। यदि हम सब्जी को कूटेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे अदरक को, उसमें डाल के उसको भी कूटेंगे, उसके बाद अपने काढ़ा को तैयार करेंगे। पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाए तब तक वेट करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा उसमें हम डालेंगे अपने सारे कूटे हुए मसाले। तो ये है वो सारे मसाले रेडी हो चुके हैं, अब वेट कर रहे हैं पानी के गर्म होने का। देख रहे हैं पानी में बॉयल आ चुका है, तो मैं अपने फ्लेम को स्लो कर दूंगा, बिल्कुल सिम कर दूंगा। अब सिम करने के बाद सारे मसाले को मैं ऐड करूंगा। तो ये है वो कूटे हुए मसाले, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से अच्छे से खोल चुका है और जितने सारे अरोमास थे और जितने सारे इनके गुड़ थे वो सारे पानी में अभी आ चुके हैं। अब बचा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है गुड़। अब मैं गुड़ को इसमें डालूंगा और कोशिश करता हूँ इसको क्रश करके डालूंगा, जिससे कि ये जल्दी गल जाएगा। दो से तीन मिनट मैं और इसको बॉयल होने दूंगा हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो फ्लेम पे अगेन एक मिनट, उसके बाद मैं इसको उतारूंगा और अपने लिए शर्व करूँगा। तो फाइनली अब जो सारा एरोमा था, सारे इंग्रेडिएंट जितने मैंने डाले इसमें, गोल मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गुड़, सभी के फ्लेवर्स इसमें आ चुके हैं। और देखिए किस तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। अब चलते हैं इसको कप में डालते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मेरा काढ़ा रेडी हो गया और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों पर रहें, सेफ रहें, अपने परिवार की रक्षा करें, क्योंकि जब आप अपने घर पर रहेंगे तो अपने आप आपके परिवार की रक्षा होगी, अपने देश की रक्षा होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा, आपको करते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।